Press the bell icon of the e-Pathshala channel and never miss another update. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका ई पाठशाला के चैनल पे। साथियों मेरा नाम विजय है और आप 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम क्लास 12 की हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें से अभी तक हमने 12 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। वीडियो की प्लेलिस्ट पे जाके आप सारे पार्ट देख सकते हैं। ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है, इससे पहले पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की स्टोरी समझते हैं कि आगे की स्टोरी के अंदर क्या है, क्या मसाला आपको सीखने को मिलेगा। एक्चुअली इससे पहले हमने बहुत सारी बातें आपको बता दी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद की पूरी स्टोरी इसके अंदर बताई गई है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पूरे इस चैप्टर के अंदर इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। गांधी जी की एंट्री 1915 के अंदर भारत के अंदर हो चुकी थी और उसके बाद की ही स्टोरीज के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी को पता है कि लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसके बारे में देखेंगे। होम रूल मूवमेंट हुआ था वो है, एंड देन इसके करते करते फाइनली राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट हो चुके थे। अब गांधी जी ने एंट्री तो भारत देश के अंदर मारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं से तो उनकी शुरुआत होनी थी। एकदम से ही वो डायरेक्टली देश के राष्ट्रपिता नहीं बन जाएंगे, है ना। तो आपको याद होगा अगर मैंने पिछले क्लास के अंदर बताया जो था कि जो हमारे गोखले जी जो थे, जो उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र मैं कह सकता हूँ, गांधी जी के पॉलिटिकल एडवाइज़र गोखले जी, उन्होंने गांधी जी को एक एडवाइस दी, एक सलाह दी। उस सलाह में उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हें भारत को जानना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक साल तक आप भारत की यात्रा करें, संपूर्ण भारत की यात्रा करें। इससे आपको भूमि के बारे में और वहाँ के लोग कैसे वहाँ के लोग रहते हैं, इन सभी के बारे में आपको समझ में आएगा। फाइनली काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने घूमा, एंड देन एक टर्निंग पॉइंट आया उनकी लाइफ का, वो था BHU के अंदर दी गई स्पीच। BHU जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए BHU हो गया। एक्चुअली यहाँ पर भी इनको आमंत्रित करा गया था। फरवरी 1916 की बात है जिस समय पे बनारस के अंदर इनको बुलाया गया था। यहाँ पे एक्चुअली बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था और यहाँ पर बहुत से राजे रजवाड़े और जो मानव प्रेमी और राजा थे, उन सभी के डोनेशन से ये हिंदू विश्वविद्यालय जो था वो चलता था। एनी बेसेंट जो कांग्रेस की इतनी बड़ी महत्वपूर्ण नेता थी, इवन वहाँ पे भी उपस्थित थे। गांधी जी को उस समय पे क्या कहते हैं, इतने लोग जानते नहीं थे क्योंकि गांधी जी इतने फेमस उस समय पे नहीं थे। फाइनली हुआ क्या, गांधी जी को यहाँ पे इसलिए बुलाया गया था क्योंकि वहाँ पर भारतीय राष्ट्रवाद के लिए बात हो रही थी। एक विशिष्ट घटना थी वो, जहाँ पे वकील, डॉक्टर, ज़मींदार ये सब यहाँ पे आ रहे थे। और गांधी जी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाया गया था क्योंकि गांधी जी जो थे ना, गांधी जी वो पूरी तरीके से दक्षिण भारत, साउथ अफ्रीका के अंदर, आपको पता है ना उन्होंने क्या करा था साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने सत्याग्रह चलाया था। सत्याग्रह चलाने की वजह से गांधी जी को यहाँ पर सम्मानित करने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसको बुलाया गया था, गांधी जी को बुलाया गया था यहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से फाइनली गांधी, सारे नेता अपनी अपनी स्पीच देते थे। तो 1916 के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जो गांधी जी का भाषण था ना, वो गरीब होने की चिंता के साथ साथ उन्होंने भारतीय अभिजात वर्गों के ऊपर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि भारत के अंदर जो राष्ट्रवादी आंदोलन है ना, वो जब तक सक्षम नहीं हो सकता है जब तक हमारे देश के अंदर जो निचला वर्ग है, आप उसकी मेहनत का पैसा उस तक नहीं पहुँचा देते हैं जब तक कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे करते 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 फाइनली लखनऊ पैक्ट आया दिसंबर 1916 के अंदर, और फिर वो वहाँ से वो चंपारण की तरफ चले गए थे, वो स्टोरी अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर गरीबों की चिंता के लिए गांधी जी ने याद दिलाया लोगों को, गांधी जी ने उन लोगों को याद दिलाने के लिए चुना जिसमें किसान, श्रमिक, भारतीय आबादी, जिनकी जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वैल्यू उनकी बहुत कम है। देख रहे हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है पर वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा कम है। तो इसी वजह से गांधी जी का ये सार्वजनिक जो भाषण दिया गया था वो इनको फेमस कर गया, और इन्होंने इस सार्वजनिक घोषणा के अंदर राष्ट्र की एकता के ऊपर बात करने की कोशिश करी।
उन्होंने कोशिश करा कि जो हमारे समाज का सबसे निचला वर्ग है हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इस तरीके से महात्मा गांधी धीरे धीरे करके कांग्रेस की नज़रों में आए। कांग्रेस के अंदर मीटिंग्स होनी चालू हो गई। कांग्रेस ने छोटे छोटे शहर और छोटे छोटे कस्बों के अंदर अपने जो उनके निर्माण करने चालू कर दिए, ऑफिसेज निर्माण करने चालू कर दिए। इस तरीके से एंट्री इन द पॉलिट इंडियन पॉलिटिक्स जो गांधी जी की एंट्री थी वो हुई। फिर धीरे धीरे करके गांधी जी फेमस होते चले गए, तो इसी वजह से चंपारण एपिसोड जो है वो हमें देखने को मिलता है, हमें खेड़ा सत्याग्रह देखने को मिलता है, हमें अहमदाबाद मिल स्ट्राइक देखने को मिलती है, एंड फाइनली सत्याग्रह जो रॉलेट एक्ट चलाया गया था उसके खिलाफ। तो एक्चुअली हो क्या रहा था, लखनऊ पैक्ट के अंदर दिसंबर 1916 के अंदर बात हो रही थी, और फाइनली यहाँ पे लखनऊ से उन्होंने क्या कहते हैं मुजफ्फरपुर गए, और मुजफ्फरपुर से उन्होंने पटना के लिए ट्रेन पकड़ी। चंपारण एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का, क्योंकि गांधी जी एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सत्याग्रह तो साउथ अफ्रीका में पहले चलाया था, लेकिन सत्याग्रह इंडिया के अंदर नहीं चलाया था। इस वेपन का इस्तेमाल इन्होंने इंडिया के अंदर नहीं करा था। तो चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसकी वजह से हुआ क्या, राजकुमार शुक्ला जी जो थे वो इनको, राजकुमार शुक्ला जी कहाँ से लेके गए, राजकुमार शुक्ला जी वो लेके गए लखनऊ से इनको, ठीक है। राजकुमार शुक्ला जी आप देख लीजिएगा आपको मिल जाएगा। राजकुमार शुक्ला जी काफ़ी समय तक इनका भाषण सुनते थे, और फाइनली उन्होंने एक बात कह दिया था कि आप चंपारण आइए। चंपारण वैसे तो बिहार के अंदर है, मैं आपको बता दूं बिहार के अंदर डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, ठीक है। चंपारण के अंदर एक गांव था मोतिहारी, मोतिहारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो मोतिहारी गांव के अंदर प्रॉब्लम ये चल रही थी कि एक तो यहाँ पे हाइजीन प्रॉब्लम बहुत खतरनाक था, व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा कुछ भी नहीं थी, लेकिन एक सिस्टम चलाया हुआ था कि बिहार के अंदर इंडिगो कॉर्प जो प्लांटेशन है वो करना ही करना पड़ेगा। यूरोपियन मालिक कहते थे किसानों को कि भाई आपको आपको क्या कहते हैं इंडिगो प्लांटेशन करना पड़ेगा। गांधी जी के लिए चंपारण एपिसोड इसलिए टर्निंग पॉइंट बना कि गांधी जी ने इससे पहले तो साउथ अफ्रीका के अंदर सत्याग्रह चलाया था, लेकिन जब उन्होंने बिहार की स्थिति देखी, बिहार के अंदर किसानों की स्थिति देखी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, कि वो बद से बदतर थी। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि बिहार में इंडिगो प्लांटेशन किसानों से ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था। 1918 की बात थी ये, जहाँ पर किसान को एक सिस्टम के तहत, थिंकतिया सिस्टम बोलते हैं इसको, इस सिस्टम के तहत 3/20 हिस्से पर उन्हें इंडिगो खेती करने के लिए मजबूर करा जा रहा था। इंडिगो खेती करने का मतलब ये था कि आपको पहले भी पता है ज़मींदार जो होते थे वो क्या करते थे, ज़मींदार पैसे लेते थे ब्रिटेन जो ब्रिटिश के अधिकारी थे वो कहते थे या तो अब हमें टैक्स दीजिए या हमें पैसा दीजिए, और या तो फिर टैक्स की जगह पे आप हमारे अपनी ज़मीन पे कुछ इस हिस्से पर क्या कहते हैं प्लांटेशन कर दीजिए। प्लांटेशन करना कोई बड़ी बात नहीं थी हमारे किसानों के लिए, क्योंकि हमारा इतिहास ही किसान से रिलेटेड है। किसानों के लिए प्लांटेशन करना बुरी बात नहीं था, लेकिन प्लांटेशन इंडिगो का करना बहुत ज़्यादा बुरी बात थी। उसका रीज़न ये था कि जिस हिस्से पर इंडिगो खेती करी जाती थी उस हिस्से पर क्या कहते हैं नीली खेती के बाद दूसरी खेती करी ही नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, वो ज़मीनें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। दैट इज़ वाई गांधी जी को अनुरोध करा गया कि आप आइए और चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्रॉब्लम है उसे शॉर्ट आउट करिए। तो गांधी जी ने किसानों से अनुरोध करा चलिए चंपारण चलते हैं, और वहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट करा। सत्याग्रह इट वॉज द सेकेंड टाइम जब ये सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंदर कर दिया था, लेकिन भारत के अंदर ये दूसरा सत्याग्रह था, यानी कि भारत के अंदर मैं पहला ही बोल सकता हूँ क्योंकि पहला तो कहीं और हो गया था, लेकिन भारत के लिए पहला था ये। तो सत्याग्रह मूवमेंट जो था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, और चंपारण के अंदर जो तिरहुत डिस्ट्रिक्ट है या और जो डिस्ट्रिक्ट है उन सभी के अंदर क्या कहते हैं सत्याग्रह चलाया गया, और गांधी जी ने यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह चलाने के मकसद से इंडियो की खेती को बंद करवाया। और इवन लोकप्रिय समर्थन इसलिए माना जाता है कि अंग्रेज को ने धमकी भी दी गांधी जी को यहाँ से जाने के लिए, पर गांधी जी ने मना कर दिया कि मैं अपने गांव को छोड़ के अपने इलाके को छोड़कर नहीं जा सकता। इस तरीके से गांधी जी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको इसको डीपली समझना है तो आप एक इंडिगो चैप्टर है आपके 12th क्लास के इंग्लिश के चैप्टर में, और आई थिंक वो चैप्टर 5 है,
आप चैप्टर 5 इंडिगो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, एक क्वेश्चन है 12th क्लास में ज़रूर आता है कि चंपारण एपिसोड जो है गांधी जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट क्यों बना, है ना। तो इसीलिए क्योंकि पहला विजय सत्याग्रह जो था भारत के अंदर गांधी जी का, वो कामयाब रहा और अंग्रेजों को झुकना पड़ गया। शायद से अंग्रेजों को भी लगता था ये सिस्टम ख़राब है इसी वजह से, ठीक है। एंड देन अगेन आते हैं हम खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट की तरफ पे, और खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट जो 1918 में स्टार्ट हुआ, खेड़ा सत्याग्रह की खासियत जो थी वो भी यही थी, सत्याग्रह ही था वहाँ पर। उसमें एक बार क्या हुआ कि फसलें ख़राब हो गई थी, और फसलें ख़राब होने की वजह से किसानों की डिमांड ये थी कि उन्हें कर में थोड़ी बहुत छूट दी जाए, यानी कि जो टैक्स देते थे वो लोग ज़मीनों का, वो टैक्स ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि यूके की गवर्नमेंट के द्वारा छूट चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, सरकार जो थी टैक्स की कटौती करने में मना कर रही थी कि वो टैक्स की कटौती नहीं करे। क्यों? अंग्रेजों का मेन मकसद है भैया पैसा कमाना, बस और कुछ नहीं था, यहाँ से प्रॉफिट अधिक से अधिक ले जाना। तो इसी के विरुद्ध में भी गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट करा, और उन्होंने किसानों को बोला कि तुम्हें सरकार के द्वारा दी गई मांगों को पूरा ही नहीं करना है, आप सरकार की मांगों को पूरा ही मत करो, और इवन आप कर भी भुगतान मत करो। तो इस तरीके से उन्होंने सत्याग्रह चलाया, और भड़काया नहीं लोगों को जबकि समझाने की कोशिश करी। तो कर का ना भुगतान करना और सरकार को क्या कहते हैं माननी ही पड़ी ये मांग, आखिरकार सरकार जो है हार गई, और गांधी जी वहाँ पे क्या कहते हैं सत्याग्रह चलाने से उन्होंने फ़ायदा हुआ। इस तरीके से खेड़ा सत्याग्रह जो था वो भी ख़त्म हुआ। एंड देन अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक, एक्चुअली ये स्ट्राइक जो थी ये स्ट्राइक किसानों के और माल ओ श्रमिकों के और मालिकों के बीच में थी। ये पैसे के वाद विवाद को लेकर थी, पैसे का वाद विवाद मतलब आप समझ सकते हैं सैलरी को लेके बात चल रही थी इसके अंदर, सैलरी को लेके बात कर चल रही थी इसके अंदर। तो इनका कहना ये था कि जिस तरीके से आप हमारे से काम करवाते हैं, श्रमिकों का मेन मकसद था मूल वृद्धि करवाना, मतलब इंक्रीजमेंट करवाना है उनको अपने वेजेस के अंदर, 25% 50% वो चाहते हैं कि हमारे वेजेस में बढ़ोतरी हो, क्योंकि हमारे काम करने के जो घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा है। कॉटन मिल वर्कर जो थे उनके साथ ऐसा ही होता था, उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता था पर उनको सैलरी उस हिसाब से नहीं दी जाती थी। इसीलिए फिर से गांधी जी ने मिल वर्कर जो थे उनके खिलाफ क्या कहते हैं मूवमेंट चलाया गया, और मिल वर्कर को धमकियां दी गई कि भैया मालिकों ने अगर सैलरी नहीं बढ़ाई तो वो लोग छोड़ के चले जाएंगे, इससे उनकी मिल बंद हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक सत्याग्रह चलाया गया, और सत्याग्रह चलाने की वजह से एक जन समूह जो है धीरे 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 गांधी जी के समर्थन में आने लग गया, और गांधी जी पॉपुलर होते चले गए। यहाँ पर 50% वृद्धि तो नहीं करी उन्होंने, लेकिन 35% उनकी सैलरी में वृद्धि कर दी गई। तो इस तरीके से गांधी जी ने सत्याग्रह में के अंदर जो आमरण अनशन था वो बंद कर दिया, और आमरण अनशन बंद करने के बाद गांधी जी को एक बहुत ज़्यादा लेजेंडरी व्यक्ति माना जाने लग गया, कि एक के बाद उन्होंने मूवमेंट चलाए और पूरी तरीके से कामयाब हुए। अब आते हैं हम दूसरे पहलू पे, कि आप सभी को पता है कि 1914 से लेके भारत के अंदर 1918 तक, और भारत कह रहा हूँ वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था इस टाइम पे, और सारे के सारे जो ब्रिटिश के लोग थे वो बिजी कहाँ पे थे, इस वॉर के अंदर, इस वॉर के अंदर बिजी थे। अब वॉर ख़त्म हो गई है, और एक कारण ये भी था यहाँ पर, आपको पता है कि इसके क्रांति होने का कारण ये भी था। तो इस तरीके से जब ये सारे स्ट्राइक्स और आंदोलन पूरे ख़त्म हुए तो ब्रिटेन की सरकार को लगा कि भैया ये कुछ ना कुछ खतरनाक चीज़ कर रहे हैं, इस वजह से इसको रोकने के लिए सरकार ने एक एक्ट चलाया, इसको रॉलेक्ट एक्ट बोला जाता है, और रॉलेक्ट एक्ट जो था वो किसी के नाम पर पड़ा है। इनका नाम जो है, इनका नाम है सिडनी रॉलेट, सिडनी रॉलेट, समझ रहे, इनका नाम सिडनी रॉलेट है, और इन्होंने ये एक्ट चलाया था उस टाइम पे अंग्रेज़ों के थ्रू, ये एक्ट चलाया गया था। इस एक्ट का मेन चलाने का मकसद पता है क्या है, जिस तरीके से गांधी जी एक के बाद आंदोलन कर रहे हैं उससे अंग्रेज़ों को डर लगने लग गया। अब युद्ध तो ख़त्म हो गया है, और युद्ध ख़त्म होने के बाद अंग्रेज़ों ने इस एक्ट के थ्रू अंग्रेजी पत्रकार जो है उस पर पाबंद लगा दिया गया। इवन यहाँ तक बोला गया कि भैया इस एक्ट के थ्रू अब ब्रिटिश सरकार के पास इतना अधिकार हो जाएगा मार्च 1919 के बाद कि जितने भी व्यक्ति हैं जो क्रांतिकारी व्यक्ति हैं
अगर सरकार को लगता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो उन्हें बिना किसी क्या कहते हैं मुकदमे के, बिना किसी फैसले के उनको कारावास में बंद कर दिया जाता है। किसी नेता को 2 साल, किसी नेता को 3 साल विदाउट रीजन आपको क्या कहते हैं बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर हमारा आर्टिकल नंबर 22 जो है, वो आर्टिकल नंबर अगर आप पॉलिटिकल पढ़ते हैं तो आप बताइएगा ज़रूर, आर्टिकल नंबर 20 जो है वो किसके लिए है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो उस समय में भारतीय लोगों का भंग हो रहा था। इसके ऊपर हमने आर्टिकल नंबर 22 स्पेशल बनाया है, तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा आर्टिकल नंबर 22 किसके लिए। अब यहाँ पे इस अधिनियम में होता क्या था, अंग्रेजों ने कहा कि भैया जो रॉलेक्ट एक्ट चलाया जा रहा है ना, इस रॉलेक्ट एक्ट के तहत जो भी व्यक्ति अगर सरकार को लगता है कि ये देश के अंदर क्रांति कर रहा है या आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उसको बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी मुकदमे के जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। अब ये चीज़ तो लोगों को पता नहीं थी, सभी लोगों को तो मैसेज नहीं फैला था, लेकिन कुछ लोगों को पता था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम किस चीज़ से आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि गांधी जी ने कहा कि इस रौलट एक्ट के खिलाफ भी उन्हें आंदोलन करना है, और उन्होंने सभी लोगों को मैसेज दिया। मैसेज देने का रीज़न फिर ये बना कि 6 अप्रैल को गांधी जी ने घोषणा कर दी कि भाई हम लोग क्या कहते हैं इनके खिलाफ क्या कहते हैं एक एक्शन लेंगे। लेकिन 13 अप्रैल के दिन अमृतसर के अंदर बेचारे जो किसान थे, बैसाखी का मेला अटेंड करने के लिए 1919 में अमृतसर के अंदर वो पहुंचे थे। अब सारे के सारे लोग बैसाखी के मेले के लिए आए थे, लेकिन बैसाखी के मेले के अंदर अब वो अंग्रेज़ों ने तो रॉलेट एक्ट चला रखा, उन्हें कहीं भी लगेगा संदिग्ध लोग हैं और लोग इकट्ठा होकर बात कर रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जेलें बंद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ब्रिटिश एक अधिकारी था जनरल डायर, ब्रिगेडियर जनरल डायर जो था, उसने पूरी तरीके से सैनिक की टुकड़ी बुलाई उसके अंदर जलियांवाला बाग के अंदर, और फाइनली बैठक में बैठे हुए जितने लोग थे सभी लोगों के ऊपर उन्होंने गोली चला दी। इस तरीके से ये जलियांवाला बाग नरसंहार जो है बहुत फेमस है, और 400 लोग लगभग इसके अंदर मारे गए थे। तो भाई कौन बचा था इसमें, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, हु वॉज अलाइव देयर, क्योंकि सारे नहीं मरे थे, कुछ बच्चे बेहोश हो गए थे। मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, उनका नाम ज़रूर लिखिएगा कि, और थोड़ा थोड़ा जो मैसेज करते हैं उसे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन टाइप थोड़ा सा लिख के कीजिएगा, ताकि जो व्यूवर्स हैं हमारे जो कमेंट पढ़ते हैं उन्हें भी समझ में आए कि आप आंसर किस चीज़ का कर रहे हैं। ठीक है, तो 400 लोग मरे, लेकिन कुछ लोग जिंदा भी थे, बचे भी थे। लेकिन 400 लोगों की हत्या हो जाना सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि रॉलेट एक्ट चलाया गया था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पर बेचारे सिर्फ और सिर्फ अपने मैसेज को फैलाने के लिए भी मैं थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, और अपने बैसाखी के मेले के चलाने के लिए वो लोग स्पेशल वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, क्योंकि ये तो स्पेशल जो हमारे सिख भाई हैं उनका त्यौहार स्पेशल होता है, फसल के कटने के बाद सारे के सारे लोग बैसाखी के मेले को मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जनरल डायर ने टुच्ची हरकत करके हमारे इतने सारे लोगों को मार दिया, इससे देश के अंदर क्रांति की व्यवस्था और ज़्यादा बढ़ गई। समझ रहे हैं, ये रौलट एक्ट के खिलाफ क्या कहते हैं रौलट एक्ट था जिसने गांधी को वास्तविक राष्ट्रीय नेता बनाया। अब यहाँ से गांधी जी पूरी तरीके से अब बहुत तगड़ा एक्शन लेंगे, और यहाँ पर इन्होंने इसके खिलाफ इसको इसकी सफलता उत्साहित होकर, मतलब यहाँ पे जिस तरीके से अंग्रेज़ों को सफलता मिली, इतने सारे लोगों को डरा दिया, धमका दिया, और गांधी जी ने इसके खिलाफ फिर फाइनली असहयोग आंदोलन चलाया। क्यों चलाया, उसके पीछे रीज़न पता है क्या है, एक कमीशन बैठा था जैसे बोलते हैं ये लोग हंटर कमीशन, ठीक है, हंटर कमीशन एक ऐसा कमीशन था जो अंग्रेज़ों के थ्रू बैठाया गया था, हंटर कमीशन। ठीक है, इस हंटर कमीशन में बोला गया था जनरल डायर को, क्योंकि हंटर कमीशन का मेन काम था कि आप ये पता करिए कि जनरल डायर ने जो निहत्ते लोगों के ऊपर जो गोलियां चलवाई थी क्या वो सही थी, क्या ये रौलट एक्ट को क्या कहते हैं उसका उल्लंघन कर रहे थे ये लोग या नहीं कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को बस दिखाना है नाम के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, क्योंकि उस समय तो कंपनी राज कर रही है ना यहाँ पर, ओ कंपनी कर रहा हूँ, अब यहाँ पे अंग्रेजी लोग शासन कर रहे हैं यहाँ पर। तो सिंपल सी बात ये है कि जो हंटर कमीशन बनी थी ना, उस हंटर कमीशन ने जनरल डायल को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया,
और बोला कि हंटर कमीशन ये कहती है कि जनरल डायल ने जो निहत्ते लोगों के ऊपर वार करे थे वो बेगुनाह, वो जानबूझ के वो लोग जो थे वो बेगुनाह नहीं थे, वो सही मायने में एक्शन लेने के लिए ही आए थे और भड़काने के लिए लोगों को आए थे, और गांधी जी ने आह्वान दिया था इसलिए ऐसा हुआ था। तो दैट इज़ वाई हंटर कमीशन की वजह से गांधी जी और अमृतसर के अंदर जो लोग थे उन सभी का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है कि ये क्या सिस्टम चलाया गया है ना, कि हंटर कमीशन चला के उनको फ्री छोड़ दिया गया है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। सो गाइज, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको इसके अंदर दिए हैं, उन्हें रिप्लाई ज़रूर करिएगा। सो दिस इज़ इट इन दिस पार्ट, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, टेक केयर। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ईट पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।